जुरिस्प्रूडेंस में आज पहला क्वेश्चन है, जुरिस्प्रूडेंस एंड लीगल एसेज निम्न में से किसका निबंध है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, पोलक का। दूसरा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन किसने लिखा है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, बेंथम ने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किसने लीगल थ्योरी नामक पुस्तक लिखी है? तो फ्रीडमैन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4, मिथक विधिक परिवर्तन को वस्त्रावृत करने वाला कपड़ा है, यह परिभाषा किसकी है? तो स्टोन की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ ला पुस्तक किसने लिखी? तो जूलियस स्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 6, वकीलों का कार्य शब्दों में है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माह हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? तो जूलियस स्टोन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट्रीज ऑन डिला ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ब्लैक स्टोन ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा विधिशास्त्री नैसर्गिक विचारधारा के विरोधी था? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, बेंथम। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र का विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, निश्चयात्मक विधि से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन प्रयोजन सिद्धांत के समर्थक हैं? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, बिज फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से समाजशास्त्रीय के समर्थक कौन नहीं हैं? बेंथम, कौन नहीं है बताना है, तो बेंथम। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन समाजशास्त्रीय शाखा कार्य की प्रतिक्रिया थी? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्रमाणवाद के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13, विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को किसने प्रतिस्थापित या प्रस्थापित किया है या किया था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, सेविनी ने। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन विधि शास्त्र की समाज शास्त्रीय शाखा से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रास्को पाउंड। क्वेश्चन नंबर 15, केल्सन की विचारधारा किसके विरोध थी? यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया, तो यहाँ पर किसके विरुद्ध थी, ठीक है, तो यहाँ पे विरुद्ध होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक विधि। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, लॉ एंड जीएस से रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।